हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय विमलेश पूजा चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोगों का तो आज मैं वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ पौधों में पानी डालने से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मैं पौधों में सारे अपने पानी डाल रही हूँ, तो मैं कहा चलो आज मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ अपने किस तरीके से मैं पौधों में पानी डालती हूँ। तो ये मेरे पास डब्बा है ना, ये तो उसी से मैं पानी डाल रही हूँ पौधों में। तो चलिए डाल देते हैं पौधों में पानी और उसके बाद क्या क्या करती हूँ वो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये बच्चों के जाने के बाद ही मैं पौधों में पानी डालती हूँ क्योंकि वो रहते हैं, तो फिर उनको पहले भेज के स्कूल, तो पानी वगैरह डालती हूँ मैं पौधों में और बाकी का काम करती हूँ। तो ये देखिए, ये सारे गेंदे के फूल दिवाली पर मैंने लगाए थे, तो अब इसमें फूल आ गए हैं और कुछ कुछ खिल भी रहे हैं। तो ये मेरा मनी प्लांट्स है, ये तो बढ़ गए हैं ना, तो इसको मैं ऊपर रेलिंग पे रख रही हूँ अच्छे से ताकि वो रेलिंग पे चढ़ जाए मनी प्लांट, तो वही मैं कर रही हूँ। तो ये देखिए, तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में बर्तन रखने के लिए, तो ये धुले हुए बर्तन थे मेरे, तो इसको मैं लगा दूंगी बर्तन धो के लाई और उसके बाद मैं इसको रख दूंगी स्टैंड पे बर्तनों के, और जो नीचे रखती हूँ मतलब बड़े बर्तन मैं नीचे रखती हूँ तो उसको मैं लगा दूंगी नीचे अलमारी में। और बाकी उसके बाद भी मुझे गैस की क्लीनिंग भी करनी हैगी, तो वो भी करूँगी। तो सारे बर्तनों को मैं पोछ पोछ के लगा देती हूँ, नहीं तो दाग लग जाते हैं रैक पे पानी के, तो इस करके सारा साफ करके रख देती हूँ क्योंकि यहाँ सिंक तो है नहीं कि बर्तनों को मैं सुखा करके रखूँगी, मुझे उसी टाइम रखना पड़ता है पोछ के। रात को धोती तो रात के बर्तन सुखा लेती फिर रखती हूँ। तो ये देखिए हो चुका मेरा बर्तन, रख दिया है और अब गैस वगैरह साफ़ कर लूँगी। तो अभी मैंने चाय भी नहीं पी है, मैं काम करने के बाद ही चाय पीऊँगी। मैंने चाय बना तो ली थी लेकिन पिया नहीं अभी। और चलिए फ्रेंड्स, गैस साफ कर लेते, तो मॉर्निंग में एक बार रात को गैस अच्छे से साफ कर लेते, सुबह ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो गैस वगैरह में पानी एक ही बार साबुन से मैं एक बार अपने गैस को साफ़ करती हूँ, उसके बाद जो है पानी से ही साफ़ करती हूँ। मैं बार बार साबुन से नहीं साफ़ करती क्योंकि मुझे नीचे से पानी लाना पड़ता है और साबुन वगैरह भी नीचे से ही लाना पड़ता है, तो इस करके मैं बार बार साबुन से गैस नहीं साफ़ करती हूँ, एक ही बार साफ़ करती साबुन से और उसके बाद पानी से ही साफ़ कर देती हूँ। जबकि गंदा होता है, खाना वगैरह बनाती हूँ तो मैं पानी से साफ़ कर देती हूँ। तो ये देखिए, और थोड़ी सी मैं अलमारी की सेटिंग कर रही थी क्योंकि पूरा सामान बिखर गया था। कई बार होता ना काम करते करते धीरे धीरे सामान बिखरता होता है, तो वही मैं सेट कर रही थी, सारे ठीक से लगा रही थी। उसके बाद आगे आ जाती हूँ मैं बेड को क्लीन करने के लिए, तो मेरा एक बेड क्लीन हो चुका है तो उसको मैं जो है कर लूँगी और दोबारा फिर दूसरे बेड को साफ करूँगी। तो एक बेड करने के बाद तो दूसरे बेड पर लगाती हूँ मैं साफ करने के लिए। तो ये देखिए मैं चित्र वगैरह झाड़ के इसे वापस से बिछा दूँगी। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट काम। तो बेड के सिरहाने को मैं साफ कर दूँगी अच्छे से क्योंकि उस पर रोज़ धूल मिट्टी बैठ जाती है, इसलिए साफ करो तो शाम तक फिर से बैठ जाती है धूल मिट्टी इस पर, क्योंकि हमारे दरवाजे के सामने ही बेड रखा हुआ है। तो रूम भी छोटा है, ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है इस करके, और हमारे पास सोफ़ा भी हैगा लेकिन मैं सोफ़ा नहीं लगाया हुआ है क्योंकि मुझे बेटी के लेटने के लिए एक बेड लगाना था, इसलिए सोफ़ा हटा दिया, सोफ़ा नहीं लगाया क्योंकि जगह है नहीं, या तो मैं सोफ़ा लगाऊंगी या तो फिर बेड ही लगाऊंगी, दो में से एक ही लगा सकती हूँ, तो इसलिए मैंने बेड लगा दिया है। सिंगल बेड, डबल बेड का ही सिंगल बेड मैंने डाला हुआ है यहाँ पे। तो अब टेबल की बारी, टेबल को भी मैं झाड़ के साफ कर दूँगी और ये टेबल कपड़ा बिछा के उसको बेड पे लगा के फिर उसके बाद मैं ये जो बिछाया हुआ मैट वगैरह इसको भी झाड़ के रख दूँगी, उसके बाद फिर झाड़ू पोछा करूँगी। तो ये देखिए मैं किचन में पहले झाड़ू लगाऊँगी अच्छे से और फिर उसके बाद वहाँ तक पौड़ी तक के नीचे तक मुझे झाड़ू लगाना होता है, जहाँ पे साइकिल वगैरह खड़ी करते हैं तो वहाँ पे भी झाड़ू लगाना होता है। तो साफ साफ पहले मैं पूरे घर में
झाड़ू लगा दूंगी कमरे से लेके बाहर तक, उसके बाद पोछा करूंगी। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए कूड़ा वगैरह काफ़ी सारा निकल जाता है क्योंकि बच्चे कूड़ा करते रहते हैं, तो वो लोग अलमारी के नीचे कभी कहीं फेंक देते, वो लोग ठीक से नहीं रखते हैं। और मैंने डस्टबिन भी रखा हुआ है, लेकिन बच्चे जो है ना यहीं पे डाल देंगे, उनको जितना मर्जी बोलो वो नहीं समझते हैं। वो खेलते हैं, कागज़ वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं, पढ़ाई करते समय खेलते भी हैं साथ में, तो कागज़ वगैरह फेंक देते हैं। तो हो गया बस मेरा झाड़ू। ये देखिए मैं अब यहाँ पे बालकनी में झाड़ू लगा लूँगी। तो आज मैं झाड़ू पोछा कितना जहाँ जहाँ तक करती हूँ उतनी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, और बालकनी में पौधे लगाए हुए तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, आप लोग बताना अच्छे लगते हैं ना बालकनी में पौधे वगैरह। और मुझे पौधों से बहुत ही ज़्यादा प्यार है, मुझे पौधे बहुत पसंद है। मैं कहीं पर भी रहती हूँ तो पौधे ज़रूर लगाती हूँ। तो इससे पहले भी जहाँ पे मैं थी वहाँ पे मैंने कम से कम 50 गमले रखे हुए थे, लेकिन सारे गमले नहीं लेकर आ सकी मैं वहाँ से, मेरे हस्बैंड लेकर ही नहीं आए तो इस करके। और तो उसके बाद मैं पोछा लगा लूँगी, और मेरे बेटे को खांसी होने लगी है तो इस करके वीडियो में आवाज़ भी आ रही होगी तो उसके लिए सॉरी। तो पोछा लगा लूँगी फटाफट, हाथ से पोछा मैं लगा रही हूँ क्योंकि मेरा डंडे वाला जो पोछा था वो ख़राब हो गया है। तो मैं हाथ से पोछा लगा तो पूरे घर कमरे में और बाहर बालकनी में और पौड़ी तक मुझे हाथों से पोछा लगाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस यहीं तक था, और कल फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो पे जो भी नए आ रहे फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करना, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना।